नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस द बर्निंग सी मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस द बर्निंग सी मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस द बर्निंग सी मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस द बर्निंग सी मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोट्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट्स। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थके हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्रिस्टियन लार्सन की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू है उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एन्जॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरी वन टू वॉच दिस यूजल
वेरी वेल मैड मूवी कीप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वाज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी कीप्स यू बिजी एंड रिट to the screen and I what a great movie if you want work in a narrative industry want to op must watch this movie and don't forget to do the knowledge about safety equipment op this if you can watch the burning scene I highly recommended it the pacing is steady the story is reopening the acting is incredible and it why though op this good it is worth watching and this very fantastic the burning सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू इंडरवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इनवायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to of disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure suspenseful hope this very fantastic and this very hope this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore see 10 calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have ever seen this the title was silent sea comes from the sea hope this the burning sea and the moon the story flow of crow out mission and this very fantastic most science fiction and also blend genres like thriller and my street received generally positive review from citizen and audience this very fantastic tag and old platform and democratic goes down by the Norwegian coast and research try to find out what happening something even this very fantastic I have every scene and good performance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil port platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea the and oil rig accident in the North Sea kicks off this will act personality and good surreal thriller a success to the Nith Norgan disaster film The Way and the Cuke of this oil spill drama The Burning Sea and Blood Remember this film hit on the killer ocean lift the most out date and sea budget the story of this very fantastic The Burning Sea is not based on a real case throughout it may play off for is oil field discovered 10 millions off the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and being the movie has every right to fiction but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the
नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटेस्टी दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी वैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damming plus evacuation and darling this escape international of based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the Burning Sea is that craft a human agnostic to iconic agreement. This very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie. I have this and John of this summary and very fantastic movie. साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। I will definitely give 10/10 for it. This movie for me felt like it is was better than some Hollywood movie about disaster and enjoy the story. The music acting definitely recommended everyone to watch this usual वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू होक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइंटरवेटेड ट्रूथ ह्यूमन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वेन नॉर्थ जेनेमेटिक लैंग्वेज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड देन
डेनिस नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वियन एंड स्वीडिश एंड दीपिकल ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इड डिसेंट अटेम्प्ट टू ऑफ डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful of this very fantastic and this very of this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore seaton calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Seaton now heroical and very fantastic movie I have ever seen this the title was silent sea comes from the sea of this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैग एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म Romance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea the and oil rig accident in the North Sea kicks off this will act personality and good surreal thriller as success to the North Norwegian disaster film The Way and the Cuke of this oil spill drama The Burning Sea and Blood Remember this film hit on the killer ocean lift the most out date and sea budget the story of this very fantastic The Burning Sea is not based on a real case throughout it may play off Forties oil field discovered 10 millions off the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and been the movie has every right to fixation but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the know when disaster and good thing an all reason incident is the North Sea kicks off the well act placement this very fantastic this I have every the story and good luck this very when a message of source oil platform and this into the scene A brilliant research son discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accusation and darling this escape international of based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the burning sea is that craft a woman agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी तो
तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करे तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.3 है। और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू इंडरवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड देनिस नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वियन एंड स्वीडिश एंड दिपिकल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इट डिसेंट अटेम्प्ट टू ओप डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful hope this very fantastic and this very hope this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea hope this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म
कमेंट्स ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्रोट प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटास्टिक एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरी आई वाल डेफिनेटली एंड गिव बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर मूवी रिसेंटली यूजफुल रिकमांडेड एंजॉय दिस वंडरिंग एंड एक्सीलेंट फोटोग्राफी डेफिनेटली एंजॉय इट एंड हाउ बिट ऑफ दिस डिजास्टर थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन वाट ए ग्रेट मैरिटाइम एंड इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ सेफ्टी दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड बर्निंग दिस इट इज सम मूवी एंड जेंट ऑयल स्पिल एंड डज नॉट द हुक ऑफ बर्निंग सी द एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सुरियल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्सोल्युटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी वैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accuration and darling this escape international of based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the burning सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक नॉर्वेन एक्टर जॉन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ओप दिस मूवी आई हैव दिस एंड जॉन ओप दिस समरी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिश्चियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो
इसकी IMDB 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी कीप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी कीप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइंटरवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to reop disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure suspenseful of this very fantastic and this very of this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore see 10 calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was Silent Sea comes from the sea of this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वॉट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म मैंस ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्रोट प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटेस्टी एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरी I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea the
एंड ऑयल एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सू रिवेल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म एक्ट ऑन द क्लियर ओशन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्सोल्युटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेज एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एक्सीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी वैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accuracy and darling this escape international of based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the burning सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक नॉर्वेन एक्टर जॉन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ऑफ दिस मूवी आई हैव दिस एंड जॉन ऑफ दिस समरी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2021 में रिलीज हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एन्जॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी किप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड रिटेट
इन्विटेशन टू द स्क्रीन एंड आई वाट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वांट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वांट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ओप टू रिइनवेटेड ट्रूथ ह्यूमैन मैड इनवायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड डेनिश नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वेन एंड स्वीडिश एंड दिपिकल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इट डिसेंट अटैम्प्ट टू ओप डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful ओप दिस वेरी फैंटेस्टी एंड दिस वेरी ओप दिस इंटेलिजेंट एंड एज द कपल मैक्स इन टू द सी सरफ्रेज विथ द नो ट्रीट एंड प्यर एनीमोर सी टेन कॉल्स बाय रोनी इनफॉर्म्स एंड दिस पॉजिटिव द ऑथोराइट रेस्क्यू टू द सोपिया एंड सी तान नव हीरोजिकल एंड वेरी फैंटेस्टी मूवी। आई हैव एवरी सीन दिस द टाइटल वॉज साइलेंट सी कम्स फ्रॉम द सी ओप दिस द बर्निंग सी एंड द मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिक्शन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस। दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी। आई हैव एवरी सीन एंड गुड performance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सर्वाइवल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नॉर्थ नॉर्वेगन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले Forties oil field discovered 10 millions off the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and been the movie has every right to fixation but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the Norwegian disaster and good thing an all reason incident is the North Sea kicks off the well act placement this very fantastic this I have every the story and good luck this very when a message of source oil platform and this into the sea
ए ब्रिलियंट रिसर्च सन डिस्कवर दैट दिस डिजास्टर कुल्ड बी द स्टार्ट ऑफ मच द बर्निंग सी डैमनिंग प्लेस एक्यूरेशन एंड डार्लिंग दिस स्केप इंटरनेशनल ऑफ बेस्ड ऑन एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी द ग्रिपिंग न्यू स्कोज ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक एंड डिजास्टर फिल्म अबाउट एंड बर्निंग सी एंड गुड एंडरसन जोन दिस द डिफरेंस हाउ एवर स्पेक्सिकली इन जोन एंडरसन द बर्निंग सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक नॉर्वेन एक्टर जोन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ऑफ दिस मूवी आई हैव दिस एंड जोन ऑफ दिस समरी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2021 में रिलीज हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एन्जॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी किप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइनवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटास्टिक दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to of disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure
suspenseful hope this very fantastic and this very hope this intelligent and as the couple makes into the sea surface with the no treat and fear anymore she then calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Satan now heroical and very fantastic movie I have ever seen this the title was silent sea comes from the sea hope this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई हिस्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड performance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea the and oil rig accident in the North Sea kicks off this will act personality and good surreal thriller a success to the Nith Norgan disaster film the way and the cue of this oil spill drama the burning sea and blood remember this film hit on the killer ocean lift the most out date and sea budget the story of this very fantastic the burning sea is not based on a real case throughout it may play Forties oil field discovered 10 millions off the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and been the movie has every right to fiction but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the or when disaster and good thing an all reason incident is the North Sea kicks off the well act placement this very fantastic this I have every the story and good luck this very when a message of source oil platform and this into the sea a brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place acceleration and darling this escape international of based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good anderson zone this the difference however specifically in zone anderson the burning sea is that craft a human agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी तो
तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी किप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइनवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड देनिस नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वेन एंड स्वीडिश एंड दिपिकल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इट डिसेंट अटैम्प्ट टू ओप डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful hope this very fantastic and this very hope this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea hope this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म
रोमांस ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटास्टिक एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरी आई वाल डेफिनेटली एंड गिव बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर मूवी रिसेंटली यूजफुल रिकमांडेड एंजॉय दिस वंडरिंग एंड एक्सीलेंट फोटोग्राफी डेफिनेटली एंजॉय इट एंड हाउ बिट ऑफ दिस डिजास्टर थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन वाट ए ग्रेट मैरिटाइम एंड इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ सेफ्टी दिस वेरी फैंटास्टिक एंड गुड बर्निंग दिस इट इज सम मूवी एंड जेंट ऑयल स्पिल एंड डज नॉट द हुक ऑफ बर्निंग सी द एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सुरियल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर्टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्सोल्युटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी मदवैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research son discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accusation and darling this escape international op based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the Burning Sea is that craft a human agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो
इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी किप्स यू होक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइंटरवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to drop disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure suspenseful of this very fantastic and this very of this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea of this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वॉट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म मैंस ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्रोट प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटेस्टी एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरी I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning see the
एंड ऑयल एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सू रिवेल थ्रिलियर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर्टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्स्यूटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी मदवैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑयल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place curation and darling this escape international op based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the Burning Sea is that craft a woman agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एंडरसन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एन्जॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मेड मूवी किप्स यू हुक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड रिटेड
इन्विटेशन टू द स्क्रीन एंड आई वाट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वांट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वांट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ओप टू रिइनवेटेड ट्रूथ ह्यूमैन मैड इनवायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड डेनिश नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वेन एंड स्वीडिश एंड दीपिकल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इट डिसेंट अटैम्प्ट टू ओप डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful hope this very fantastic and this very hope this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea hope this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड performance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning sea एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सुरियल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नॉर्थ नॉर्वेगन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले Forties oil field discovered 10 millions of the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and been the movie has every right to fixation but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the Norwegian disaster and good thing an all reason incident is the North Sea kicks off the well act placement this very fantastic this I have every the story and good luck this very when a message of source oil platform and this into the sea
ए ब्रिलियंट रिसर्च सन डिस्कवर दैट दिस डिजास्टर कुल्ड बी द स्टार्ट ऑफ मच द बर्निंग सी डैमनिंग प्लेस एक्यूरेशन एंड डार्लिंग दिस स्केप इंटरनेशनल ऑफ बेस्ड ऑन एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी द ग्रिपिंग न्यू स्कोज ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक एंड डिजास्टर फिल्म अबाउट एंड बर्निंग सी एंड गुड एंडरसन जोन दिस द डिफरेंस हाउ एवर स्पेक्सिकली इन जोन एंडरसन द बर्निंग सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक नॉर्वेन एक्टर जोन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ऑफ दिस मूवी आई हैव दिस एंड जोन ऑफ दिस समरी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। I will definitely give 10/10 for it. This movie for me felt like it is was better than some Hollywood movie about disaster and enjoy the story, the music, acting. Definitely recommended everyone to watch this usual वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू होक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड रिटेन टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी, द स्टोरी इज री ओपनिंग, द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटास्टिक। द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइंटरप्रेटेड ट्रूथ ह्यूमन मैड एनवायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इंटू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटास्टिक दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietals some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea in a decent attempt to of disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure
सस्पेंसफुल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी एंड दिस वेरी ओप दिस इंटेलिजेंट एंड एज द कपल मैक्स इन टू द सी सरफ्रेज विथ द नो ट्रीट एंड प्यार एनीमोर सी टेन कॉल्स बाय रोनी इनफॉर्म्स एंड दिस पॉजिटिव द ऑथोराइट रेस्क्यू टू द सोपिया एंड सी तान नव हीरोजिकल एंड वेरी फैंटेस्टी मूवी आई हैव एवरी सीन दिस द टाइटल वॉज साइलेंट सी कम्स फ्रॉम द सी ओप दिस द बर्निंग सी एंड द मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिक्शन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटेस्टी एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरिंग आई वाल डेफिनेटली एंड गिव बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर मूवी रिसेंटली यूजफुल रिकमांडेड एंजॉय दिस वंडरिंग एंड एक्सीलेंट फोटोग्राफी डेफिनेटली एंजॉय इट एंड हाउ बिट ऑफ दिस डिजास्टर थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन वाट ए ग्रेट मैरिटाइम एंड इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ सेफ्टी दिस वेरी फैंटेस्टी एंड गुड बर्निंग दिस इट इज सम मूवी एंड जेंट ऑयल स्पिल एंड डज नॉट द हुक ऑफ बर्निंग सी द एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सुरियल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियन ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्सोल्युटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटेस्टी दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी वैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी ए ब्रिलियंट रिसर्च सन डिस्कवर दैट दिस डिजास्टर कुल्ड बी द स्टार्ट ऑफ मच द बर्निंग सी डैमनिंग प्लेस एक्यूरेशन एंड डार्लिंग दिस स्केप इंटरनेशनल ऑफ बेस्ड ऑन एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी द ग्रिपिंग न्यू स्कोज ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी एंड डिजास्टर फिल्म अबाउट एंड बर्निंग सी एंड गुड एंडरसन जोन दिस द डिफरेंस हाउ एवर स्पेक्सिकली इन जोन एंडरसन द बर्निंग सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटेस्टी नॉर्वेन एक्टर जॉन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ऑफ दिस मूवी आई हैव दिस एंड जॉन ऑफ दिस समरी एंड वेरी फैंटेस्टी मूवी। साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो
तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.3 है। और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज़ वॉज बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू हॉक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइंटरवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to of disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure suspenseful of this very fantastic and this very of this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea of this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म
परफॉर्मेंस ओवरऑल ए गुड मूवी एंड गुड स्टोरी दिस वेरी फैंटेस्टिक द बर्निंग सी एंड दिस लेट डाउन ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी एंड रिसर्च एंड ऑयल प्रोट प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक एंड दिस वेरी फैंटेस्टिक आई हैव एवरी सीन एंड गुड लक दिस वेरी फैंटेस्टिक एंड द बर्निंग सी एंड वेरी इंटेलिजेंट मूवी आई हैव एवरी सीन एंड गुड ऑफ दिस वीडियो गेम्स एंड दिस वेरी आई वाल डेफिनेटली एंड गिव बेटर दैन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर मूवी रिसेंटली यूजफुल रिकमांडेड एंजॉय दिस वंडरिंग एंड एक्सीलेंट फोटोग्राफी डेफिनेटली एंजॉय इट एंड हाउ बिट ऑफ दिस डिजास्टर थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन वाट ए ग्रेट मैरिटाइम एंड इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ सेफ्टी दिस वेरी फैंटेस्टी एंड गुड बर्निंग दिस इट इज सम मूवी एंड जेंट ऑयल स्पिल एंड डज नॉट द हुक ऑफ बर्निंग सी द एंड ऑयल रिज एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सुरियल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 million ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्स्यूटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटेस्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी वैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accuracy and darling this escape international op based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the Burning Sea is that craft a woman agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था, जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो
इसकी आईएमडीबी 10 में से 6.3 है और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। आई विल डेफिनेटली गिव 10/10 फॉर इट। दिस मूवी फॉर मी फेल्ट लाइक इट इज वॉज बेटर देन सम हॉलीवुड मूवी अबाउट डिजास्टर एंड एंजॉय द स्टोरी द म्यूजिक एक्टिंग डेफिनेटली रिकमेंडेड एवरीवन टू वॉच दिस यूजुअल वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू हॉक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड टू द स्क्रीन एंड आई वॉट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वॉन्ट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वॉन्ट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉर गेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी द स्टोरी इज री ओपनिंग द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ऑफ टू रिइनवेटेड ट्रूथ हुमैन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज इज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश and Danish Norwegian from a dialect continue to more and less mutually intelligent local and regional varietal some Norwegian and Swedish and the pickle of this very fantastic story Korean drama The Silent Sea it decent attempt to of disaster post and drama with loads of suspense and thriller factors and this for sure suspenseful of this very fantastic and this very of this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have every seen this the title was silent sea comes from the sea of this the burning sea and the मून द स्टोरी फ्लो ऑफ क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई हिस्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वॉट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म Romance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning see the
एंड ऑयल एक्सीडेंट इन द नॉर्थ सी किक्स ऑफ दिस विल एक्ट पर्सनैलिटी एंड गुड सू रिवेल थ्रिलर ए सक्सेस टू द नित नॉर्गन डिजास्टर फिल्म द वे एंड द क्यूक ऑफ दिस ऑयल स्पिल ड्रामा द बर्निंग सी एंड ब्लड रिमेंबर दिस फिल्म हिट ऑन द क्लियर ओशियन लिफ्ट द मोस्ट आउट डेट एंड सी बजट द स्टोरी ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक द बर्निंग सी इज नॉट बेस्ड ऑन ए रियल केस थ्रू आउट इट मे प्ले ऑफ फोर टीज ऑयल फील्ड डिस्कवर 10 मिलियंस ऑफ द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1970 येट योर ऑप्टन विस दैट एंड बीन द मूवी हैज एवरी राइट टू फिकेशन बट द हार्ट ऑफ इट इज ड्रामा लाइन्स ऑफ दिस वेरी अब्स्यूटली मूवी एंड गेडी एंड दिस वेरी एंड इंटेलिजेंट द बर्निंग सीन इट स्टैंडर्ड प्लॉट सस्पेंस बट द एक्शन इज एक्सपेरिमेंट स्टेग एंड द एक्ट्रेस एंड कमेंटेड मोर ओवर द फिल्म डज नॉट द नॉर्वेन डिजास्टर एंड गुड थिंक एन ऑल रीजन एंसीडेंट इज द नॉर्थ सी किक्स ऑफ द वेल एक्ट प्लेसमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक दिस आई हैव एवरी द स्टोरी एंड गुड लक दिस वेरी मदवैन ए मैसेज ऑफ सोर्स ऑल प्लेटफॉर्म एंड दिस इन टू द सी A brilliant research sun discovered that this disaster could be the start of much the burning sea damning place accusation and darling this escape international op based on an incredible true story the gripping new scores of this very fantastic and disaster film about and burning sea and good Anderson zone this the difference however specifically in zone Anderson the Burning Sea is that craft a woman agnostic to iconic agreement this very fantastic Norwegian actor John Anderson and disaster movie impressive of this movie I have this and John of this summary and very fantastic movie साल 2021 में रिलीज़ हुई द बर्निंग सी मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस्टियन लार्सन के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया और फिल्म का नाम था द बर्निंग सी मूवी था। जो साल 2021 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि द बर्निंग सी मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 44 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 44 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2021 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 67% लोगों ने लाइक किया। वही इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.3 है। और इस द बर्निंग सी मूवी की रिलीज डेट 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एड्रस एंडरसन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द बर्निंग सी मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। आई वॉचेबल दिस मूवी रिसेंटली एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट I will definitely give 10/10 for it. This movie for me felt like it is was better than some Hollywood movie about disaster and enjoy the story, the music, acting. Definitely recommended everyone to watch this usual वेरी वेल मैड मूवी किप्स यू हॉक्ड टू द स्क्रीन थ्रू आउट एक्सीलेंट फोटोग्राफी एंड प्रोडक्शन वैल्यू बी अवेलेबल करेक्टर बट आई किप्ट वंडरिंग आई कैन समथिंग लाइक दिस एपन वॉज नॉट द रेस्क्यू फॉर दिस यंग डैड एंड ए लिटिल टू ईजी हाउ अबाउट अदर पीपुल वेयर दीज टू ओनली कैच इन डिजास्टर एंड यू बट एंड गोट टू सी डेस्पाइट ऑल दीज आफ्टर थ्रू आउट दिस मूवी किप्स यू बिजी एंड रिटेड
इन्विटेशन टू द स्क्रीन एंड आई वाट ए ग्रेट मूवी। इफ यू वांट वर्क इन नैरेटिव इंडस्ट्री वांट टू ओप मस्ट वॉच दिस मूवी एंड डोंट फॉरगेट टू डू द नॉलेज अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट ओप दिस इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सीन। आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग इज स्टडी, द स्टोरी इज रीओपनिंग, द एक्टिंग इज इनक्रिपल एंड इट वाई दो ओप दिस गुड, इट इज वर्थ वॉचिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी। द बर्निंग सी इज ब्लूट रिमेंबर ओप टू रिइनवेटेड ट्रूथ ह्यूमन मैड इन्वायरमेंटल क्रिस्टोपर एंड इनविटेबल एंड इट इज हार्ड टू टर्न दैम इन टू द डिसेंट मूवी एक्शन। इफ यू कैन वॉच द बर्निंग सी आई हाईली रिकमांडेड इट। द पेसिंग एंड दिस वेरी फैंटेस्टी दिस मूवी एंड नॉर्वियन नॉर्थ जनरमेटिक लैंग्वेज स्पोकन मैनुअली इन नॉर्वे वेयर इज द एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विथ स्वीडिश एंड डेनिश नॉर्वियन फ्रॉम ए डिलेक्ट कंटिन्यू टू मोर एंड लेस म्यूचुअली इंटेलिजेंट लोकल एंड रीजनल वेरेटाइल सम नॉर्वेन एंड स्वीडिश एंड दीपिकल ओप दिस वेरी फैंटेस्टी स्टोरी कोरियन ड्रामा द साइलेंट सिंग इट डिसेंट अटैम्प्ट टू ओप डिजास्टर पोस्ट एंड ड्रामा विथ लोड्स ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलियर फैक्टर्स एंड दिस फॉर श्योर suspenseful ope this very fantastic and this very ope this intelligent and as the couple max into the sea surprise with the no treat and fire anymore she ten calls by Ronnie informs and this positive the authorized rescue to the Sophia and Sitan now heroical and very fantastic movie I have ever seen this the title was silent sea comes from the sea ope this the burning sea and the मून द स्टोरी प्लो ओप क्राउ आउट मिशन एंड दिस वेरी फैंटेस्टी मोस्ट साइंस फिकेशन एंड आल्सो ब्लेंड जनरेशन लाइक थ्रिलियर एंड माई स्ट्री इट रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम सिटीजन एंड ऑडियंस दिस वेरी फैंटेस्टी टैक एंड ओल्ड प्लेटफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक गोइज डाउन बाय द नॉर्वेगन कोस्ट एंड रिसर्च ट्राई टू फाइंड आउट वाट हैपनिंग समथिंग इवन दिस वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्म performance overall a good movie and good story this very fantastic the burning sea and this let down of this I have every scene and good performance of this movie and research and oil platform and democratic and this very fantastic I have every scene and good luck this very fantastic and the burning sea and very intelligent movie I have every scene and good of this video games and this very I will definitely and give better than some Hollywood movie about disaster movie recently useful recommended enjoy this wondering and excellent photography definitely enjoy it and how bit of this disaster throughout on the screen what a great maritime and industry knowledge of safety this very fantastic and good burning this it is some movie and giant oil spill and does not the hook of burning see the and oil rig accident in the North Sea kicks off this will act personality and good survival thriller as success to the North Norwegian disaster film The Way and the Cuke of this oil spill drama The Burning Sea and Blood Remember this film hit on the killer ocean lift the most out date and sea budget the story of this very fantastic The Burning Sea is not based on a real case throughout it may play off Forties oil field discovered 10 millions off the coast of Scotland in 1970 yet your option with that and been the movie has every right to fixation but the heart of it is drama lines of this very absolutely movie and gaudy and this very and intelligent the burning scene it is standard plot suspense but the action is experiment stage and the actress and commented more over the film does not the nor when disaster and good thing an all reason incident is the north sea kicks off the well act placement this very fantastic this I have every the story and good luck this very when a message of source oil platform and this into the sea
ए ब्रिलियंट रिसर्च सन डिस्कवर दैट दिस डिजास्टर कुल्ड बी द स्टार्ट ऑफ मच द बर्निंग सी डैमनिंग प्लेस एक्यूरेशन एंड डार्लिंग दिस स्केप इंटरनेशनल ऑफ बेस्ड ऑन एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी द ग्रिपिंग न्यू स्कोज ऑफ दिस वेरी फैंटास्टिक एंड डिजास्टर फिल्म अबाउट एंड बर्निंग सी एंड गुड एंडरसन जोन दिस द डिफरेंस हाउ एवर स्पेक्सिकली इन जोन एंडरसन द बर्निंग सी इज दैट क्राफ्ट ए हुमैन एग्नोस्ट टू आइकोनिक एग्रीमेंट दिस वेरी फैंटास्टिक नॉर्वेन एक्टर जोन एंडरसन एंड डिजास्टर मूवी इंप्रेसिव ऑफ दिस मूवी आई हैव